सपा महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा श्री रामचरितमानस पर कई दिन पूर्व दिए गए विवादित बयान से नैमिषारण्य के साधु संतों में भी उबाल है। अब तो ये मांग उठने लगी है कि सनातन धर्म एक मंच पर आए और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हर थाने में मुकदमा दर्ज कराए। साधु संत पुरोहित कानूनी कार्रवाई के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। आई इंडिया के नैमिषारण्य संवाददाता सुनीत पांडे ने संत महात्माओं पुजारियों से बात की तो विवादित बयान पर उनका रोष कुछ इस तरह सामने आया। हनुमानगढ़ी के महंत बजरंग दास और पवन दास ने क्या कहा, आप भी सुने। मैं स्वामी प्रसाद के इस बयान के कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। सबसे बड़ी चीज तो ये है, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है उनको धर्म पर बोलने का अधिकार नहीं है। स्वामी प्रसाद जी रामचरित मानस के बारे में कितना जानते हैं, दो चौपाई उठा करके, अरे उसका जो पूरा देखे तो क्या तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। स्वामी प्रसाद जी को धर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैं तो सभी सनातनियों से, सभी हिंदू भाई बहनों से कहता हूं कि आप लोग इसके खिलाफ खड़े होइए। स्वामी प्रसाद के खिलाफ हर थाने में FIR होनी चाहिए और स्वामी प्रसाद जी को तत्काल यूपी गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए और इनको तत्काल जेल भेजना चाहिए। इनको अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुजवनुकृशानुम ज्ञानी नाम गृहण्यम शकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए अनंत बलवान श्री हनुमंत लाल की जय। वर्तमान समय में एक व्यक्ति विशेष नेता के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी गई और जलाई गई, उनके कथन के अनुसार ये कार्य हो रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति जो हमारे रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं और प्रतियां जला रहे हैं, वो हमारे सनातन धर्म के ही लोग हैं, कोई अन्य धर्म का व्यक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का DNA कराना चाहिए, उनकी जांच करनी चाहिए। उनको तो नेताओं के द्वारा प्रमोशन दे दिया गया, उनको तो डिमोशन होना चाहिए था, क्योंकि इस समय उनकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है। बुद्धि से वो हीन हो चुके हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के सबसे विशेष ग्रंथ रामचरितमानस, जब बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी तो उनकी कलम पे सरस्वती का वास था। उन्होंने जो रचना की वो पूरे विश्व में हमारी रामचरितमानस रामायण के नाम से विख्यात है, जो हर घर में, हर दरबार में उपस्थित रहता है। ऐसा धर्म ग्रंथ हमारे हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। ऐसे व्यक्ति को हमारे समाज से और उनको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पार्टी और समाज में रहने के लायक बिल्कुल नहीं व्यक्ति है वो, उनको तो बिल्कुल यहाँ से बाहर ही कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो हिंदू धर्म का होते हुए हिंदू धर्म पे उंगली उठाए, तो इसको तो बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं कि उसको बाहर करके बिल्कुल बाहर का ही रास्ता दिखाना चाहिए यादव जी को। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने ये सब कार्य किया है, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धिहीन हो गया है वो व्यक्ति। उसकी बुद्धि जब शुद्ध होगी, परमात्मा की कृपा से ही शुद्ध होगी, तो प्रभु से प्रार्थना है ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति को प्रभु बुद्धि दे, सद्भावना दे। और मैं सरकार से कहूंगा कि इसकी एक बार DNA जांच अवश्य कराई जाए। जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस कोई मामूली ग्रंथ नहीं है, ये महान ग्रंथ है। सत्यनारायण मंदिर के प्रबंधक माता रामानुज कुमारी बालाजी मंदिर के पुजारी पराश्रम विघ्नेशाचार्युल्य भैया जी आई इंडिया से बोले, हमारा विचार धर्म रक्षण करने के लिए, धर्मो रक्षति रक्षता, जहाँ धर्म को रक्षण होता है, धर्म ही सभी जगह को रक्षण करता है, वो भावना से मंदिर में पुजारी लोग काम करते हैं। काम माने वो लोग काम को सोचते हैं व्यापार, व्यापार कभी भी सोच नहीं है तो वो मंदिर थोड़ी माना जाता है। आप लोग वो गलत भावना से सोच रहे हैं। मंदिर में कोई आया, उनको भगवान के अंदर से प्राप्ति करने के लिए, मिलाने के लिए बीच में है, माध्यम है, हम लोग व्यापार रूप से हम लोग नहीं है, बहुत दूर से आते हैं। देख लीजिए आज नैमिषारण्य में हम लोग खड़े हैं बालाजी मंदिर में, बहुत दूर से आते हैं, किसी लिए आते हैं, यहाँ यहाँ धर्म है, उस भावना को ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए यहाँ यहाँ तक पहुँचते हैं। ये भावना से बड़े उन्नत नीति में और राजकीय स्थान में बैठ करके ऐसे अपशब्द बोलना कुछ नहीं है, नहीं है। इसीलिए आप लोग समझ करके
जब ये है कहीं भाषण दे रहा है तो समझ करके उस शब्दों को सही उच्चारण से बाहर निकले तो अच्छी है सभी को। लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, समस्त सन्मंगलानि सन्तु, ऐसे ही बोलना है। ये अपशब्द बोलने से आपको भी मर्यादा नहीं रहेगा, किसी को भी मर्यादा नहीं रहेगा। ब्राह्मण एक स्मरण करते हैं सभी लोग सुरक्षित रहें, वही ब्राह्मण सभी लोग को दिक्कत हो जाए सब चेतो। भारत जब सुखी सही हो गया सभी लोग सुखी रहते हैं ना, ब्राह्मण के आशीर्वाद ऐसे ही लेना। पूर्व से ही आ रहे हैं भारत में ऐक्यता नहीं रहता है, इसलिए सभी लोग ऐक्यता रहना, मिल करके रहना है। सभी लोग ऐसे मिल गया तो कोई टिप्पणी करने का सोच पे डर लग जाता है, पसीना आ जाता है। इसीलिए भारत में हिंदू जो भी हिंदू है भारत में रुके हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, जीवन हो रहा है, सभी लोग ऐक्यता रहे, सभी लोग सुख शांति रहेंगे। अच्छा, एकदा नैमिषारण्ये रसो सौनका देह प्रपच्रान्म सर्वे सोतम पौराणिकं खलु। ये विश्व का नैमिषारण पुण्यक्षेत्र है, जैसा नैमिषारण पुण्यक्षेत्र हो गया ऐसा ही सब पुराण में, सब ग्रंथ में रामचरितमानस महाग्रंथ है। वो ग्रंथ को कोई कहने वाला नहीं, ग्रंथ कब पैदा हो गया, कब लिखा है, युग युग हो गया, आप आज कहने के लिए कौन आया है, उसका तो जवाब भगवान खुद दे देगा। और जनता का पूरा सब जो है ना, जब मानस पढ़ना है, अपना अपना पीढ़ी कई पीढ़ियों से आ रहा है, पूरा सब देखते पढ़ते बोलते रहे, और मानस अखंड रामायण पढ़ता है, अखंड 24 घंटा रामायण पढ़ता है। जब भगवंत इतना पूरा सब भक्त लोग इतना आशा रख करके सुनाता है, आजकल कौन है, नहीं नया रामचरितमानस कब पैदा हो गया, और आप ये कहने वाले कब पैदा हो गया, हमको थोड़ा बता करके दिखाइएगा। और हिंदू का धर्म है ये रामचरितमानस, रामायण का और गीता का सब, ये रामायण का ग्रंथ है। हिंदू देश में हिंदू धर्म ही ऐसा कर रहे तो फिर कौन कहेगा, कौन खड़ा कर देगा। और ऐसा कुरान में, कुरान बोलता है मुसलमान लोगों का ग्रंथ है, और बाइबल बोलता है यीशु लोगों का, और ये सब वो लोग कुछ नहीं कर रहा है। अपना हिंदू का ऐसे करना है अच्छा नहीं रहता। फिर देख लो अपना ग्रंथ को, अपना माता जैसा ऐसे है, अपना घर का माता जैसा जो जन्म दिया है माता, और दिया है हिंदू का धर्म है मानस, जैसा अपना माता जैसा ऐसा मानस, रामायण मानस है, रामचरित मानस है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जो करेगा वो पाप भोगना पड़ेगा, जो भी गलत बोलेगा पाप भोगना पड़ेगा। जो ग्रंथ को कहने वाला कौन है, ग्रंथ कब पैदा हो गया, ये जीवी कब पैदा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हो धर्म धर्म चलने दे दो। इसलिए जो ना आप लोगों को प्रार्थना कर रहा है, जो आगे पीछे पीढ़ी को कोई कहना कोई जो ना पीड़ा नहीं करना चाहिए, और पीढ़ी पीढ़ियों से जो आ रहा है उसका धर्म चलने दीजिए। धर्म को अधर्म मानेगा आपका दुस्थिति क्या होगा देखना पड़ेगा सबने। सनातन धर्म में चार वेद श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, उपनिषद ऐसे ग्रंथ हैं जो सनातन धर्म के आधार हैं। ग्रंथों की मनमानी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। मनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास खाकी, ललिता देवी मंदिर के पुजारी लाल बिहारी शास्त्री ने विवादित बयान पर क्या कहा, आप भी सुने। इतिहास गवाह है कि जब जब इस राजनीति ने, किसी नेता ने, किसी पार्टी ने भगवान राम के कार्य में विरोध किया, अथवा भगवान राम, रामायण अथवा उनके चरित्र पर टीका टिप्पणी की है, उंगली उठाई है, तब तब उसका अवसान का समय आ गया है। और ऐसे में तमाम पार्टियां और तमाम नेता अपने या तो भारतीय इतिहास के कलंक पृष्ठ पर उनका नाम अंकित हो गया है और उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गई है। अब ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, ये कई पार्टियों से भगोड़े हैं और ये अब उसी रास्ते पर निकल गए हैं। इनका कुछ प्रारब्ध गलत है, जबकि राम की सत्ता पर और रामायण पर इन्होंने टीका टिप्पणी की है, निश्चित मानो इनका अवसान आ गया है और ये अब ये इस राजनीति से लुप्त प्राय हो जाएंगे और अपना इन्होंने सम्मान खो दिया। हिंदू सत्ता, हिंदू जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुँचा करके भारत में कोई नेतृत्व करेगा ये भूल जाए। और हम सनातन धर्मी हैं, हम सहिष्णु हैं, यद्यपि इसका विरोध हम भरपूर करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हाथी मध्यस्थ चाल से चलता है और कुत्ते इस तरीके के भूखा करते हैं, हमारे उन हाथी के ऊपर कोई असर पड़ता नहीं है। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।
हम पूरी तत्परता के साथ संगठित होकर के साधु समाज का विरोध करेगा और इनको बता देगा आने वाले चुनाव में कि भारत का साधु समाज क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, राम क्या है, रामायण क्या है। जय माता की। आज इस समय जो समाज में कुछ ऐसे तथाकथित लोग रामचरित मानस पर विवाद उत्पन्न करा रहे हैं, वो हिंदू और सनातन धर्म के विरोधी एक मुहिम चला रहे हैं, जिससे हमारे धर्म को, हमारे समाज को बांटा जाए, कमज़ोर किया जाए और उसको तोड़ा जाए। जबकि मानस जो है भगवान रामचंद्र जी ने उसमें अपने आप को भी नहीं बख्शा है, उन्होंने उसमें समाज के लिए, कल्याण के लिए तुलसीदास जी ने सब कुछ अंकित किया है और उसमें डाला है, जिससे कि अच्छे एक संस्कार का निर्माण होता है और उसी संस्कार के द्वारा हम लोग अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाते हैं। जब तक व्यक्ति के अंदर अच्छे संस्कार नहीं होंगे और परिवार, समाज सबको लेकर चलने की कला नहीं होगी, ये मानस हमको वही सब सिखाता है। जो इस समय हमारे एक नेताजी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने एक ब्राह्मण और पुजारियों पर जो कमेंट किया है, अगर कोर्ट में वकील नहीं होगा तो कोर्ट में फरियाद कौन करेगा, डॉक्टर अगर नहीं होगा तो मरीज का इलाज कौन करेगा, तो पुजारी और ब्राह्मण अगर धर्म के हैं तभी तो फरियाद करते हैं सभी भक्तों की मनोकामना के लिए, सबका मंगल कल्याण के लिए, वो बहुत कुछ त्याग करते हैं तब वो कार्य करते हैं, वो भी उनके कर्म में निहित है। और चाहे किसी भी धर्म में हो, उसका खाली नाम बदला है, पंडित पुजारियों का नाम बदला है, बाकी उसका ट्रांसलेट किया जाए तो वही है सब, चाहे बौद्ध भिक्षुक हो, चाहे फादर हो, चाहे आके मुस्लिम धर्म में हो, सब ये इनके बगैर कुछ धर्म के विषय में जानना, ये धर्म गुरु हैं। तो धर्म का जब तक हम गुरुओं के माध्यम से जानेंगे नहीं, तो हम अगर पढ़ते, अगर सब ग्रंथ हम पढ़ते ही रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी हमारी पढ़ते में निकल जाएगी। तो इन जो गुरु जो है वो सत्संग के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते हैं और वो ज्ञान के माध्यम से हमको जो उसका मूल स्वरूप है वो बताते हैं और हम इस भवसागर जो जिंदगी है उसको ज्ञान के माध्यम से, सरल के माध्यम से और उस भवसागर से पार करते हैं सरलता से, इसमें कोई संघर्ष ना हो। बस यही हम अपने शब्दों के द्वारा कहना चाहते हैं कि हमारे धर्म को न बांटा जाए, जो इतिहास काल में हो चुका है उस गलती को न दोहराया जाए और सनातन धर्म और वैदिक धर्म इसका सबका पालन किया जाए, सबको जोड़ा जाए, सबका साथ लिया जाए, सब विकास होगा देश का और समाज का। जय माई की। आई इंडिया के लिए नैमिषारण्य से सुनीत पांडे की रिपोर्ट।